गुरुवार को नगर निगम के सभागार में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। बैठक में नगर आयुक्त, उपसभापति सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में शहर के विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए चर्चाएं हुई, जिस पर कार्यकारिणी सदस्य अपने अपने विचार रखे। बैठक के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अनुरोध है कि अपनी बात शालीनता के साथ वन बाय वन रखेंगे। ये ना हो कि एक आदमी अपनी बात रख रहा हो तो दूसरा व्यक्ति को इस पर अधिकारी हो या मेरे पार्षद हो, सभी से निवेदन कार्रवाई शुरू करें। माननीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक दिनांक 25-18 के अनुपालन आख्या एजेंडे में जिनमें से शामिल निर्माण को पढ़ रहा हूँ। निर्माण कार्यों की समीक्षा एवं विचार विमर्श उनको रखा गया एजेंडे में। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं विचार विमर्श, स्वास्थ्य प्रकार व्यवस्था के कार्यों की समीक्षा विचार विमर्श, जलकल विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं विचार विमर्श, हर विभाग के कार्यों की समीक्षा एवं विचार विमर्श, अन्य विषय जो महापौर महोदय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रखे जाएंगे। सारे विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे हैं और सबसे पहले हम लोग माननीय कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक 18/3/2018 को संपन्न की गई थी। इसकी पुष्टि के लिए रखेंगे और फिर क्रमशः आगे के एजेंडों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिस विभाग के एजेंडे से संबंधित प्रकरण रहेगा उस विभाग के अधिकारियों को मेरे अपेक्षा है कि उसके डिटेल अपने पास में रखे हैं, उनको भी क्रम से आवश्यकता अनुसार आप बताते चलेंगे। और जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्रम से प्रस्तुत सर्वप्रथम में आप जिसकी काफ़ी आप सभी लोगों के पास है। नगर निगम की बैठक की गतिविधि में की गई थी, जिसमें सभी पार्षद अधिकारी वगैरह उपस्थित थे। अगर सब लोग संलग्नक है, जिसमें निर्णय है आपका जो है क्रम से चाहे आप देख लें, इसमें निर्णय सर संबंधी लिया है। उसमें आपका वो इसमें सहूलियत नहीं है, चलिए इनको हम लोग भविष्य में ध्यान रखेंगे। जल विभाग करते हैं, जल का विभाग बनाई को नहीं करे तो लापरवाही बहुत लापरवाही है। या तो इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए या तो हम लोग बाहर चले जाए, दोनों में से या तो पैसे को ड्राइव करिए। कोई आने धोआ नहीं है कि हम लोग प्रस्ताव देते हैं, जनता को वहाँ जाकर बताते हैं ये पानी सुविधा मिल जाए। गर्मी का मौसम है, अब मेरे वार्ड में 5 मोहल्ले ऐसे जहाँ पानी नहीं आता। ये 18/3 में जो रखा 5 वाला सर कोई प्रस्ताव में भी 18/3 वाला था, 18/3 में भी 18/3 वाला प्रस्ताव कौन था? दो मार्किंग स्टेट पोस्ट का था, 5 वाला लिखवा लेते भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत एक निर्णय लिया गया था जो निर्णय सर्वसम्मति से खारिज हुआ था। मांगेंगे तो लोन की पूर्ति राज्य से की जाएगी, तो उसको हमारे बोर्ड से खारिज किया गया था कि हम उस योजना में हम अपना लोन लेकर अपना पैसा नहीं देंगे। वो सर्वसम्मति से खारिज हुआ था यहाँ, जिसको कि सुप्रीम दिखाया गया प्रोसीडिंग में, प्रोसीडिंग की काफी भी है।
उसमें मैंने अपने उसी में लिखा है 324 को उससे पास करवा के, लेकिन अब प्रोसीडिंग में सुधार दिखाएगा ना, प्रोसीडिंग में सुधार कराइए ना। नहीं, इसमें जो पहला नाट्य है उसमें चेंज है। चेंज है कार्यकारिणी की बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में चिंता की गई है और हर वार्डों में सफाई कर्मचारी 10 से लेकर 15 तक बढ़ाए गए हैं जनसंख्या के आधार पर। दूसरा निर्णय हुआ है कि विकास के कार्यों पर जो पार्षदों को 10-10 लाख रुपए मानक बनाए गए हैं कि उनको विकास कार्य कराना है। जिन पार्षदों ने अपना निर्माण के लिए दिया है उस काम पर बहुत सारे लोगों के फाइलों का निस्तारण हो चुका है, जल्द ही उस पर काम शुरू होगा। इसके अतिरिक्त आपको पेयजल की समस्या है, उसमें बहुत से सारे रिवोर भी होने हैं, जो पंप चल रहे हैं उस पर अस्थायी कर्मचारी को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि समय से शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सके। बड़े नाले की सफाई पर काम चल रहा है, पार्षदों ने हमारा मांग किया है कि जो छोटे नाले हैं उसकी भी सफाई कराई जाए। आज निर्णय हुआ है कि बड़े नाले की सफाई 15-20 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी और शहर की जितनी भी नालियां हैं छोटी उसकी तलीझार सफाई शीघ्र ही कराई जाएगी। रात्रि सफाई और दिन की सफाई दोनों सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। एक निर्णय लिया गया है कि 11 बजे से लेकर के रात के सफाई व्यवस्था चलती रहेगी, इसको ब्रेक नहीं किया जाएगा और नाइट व्यवस्था हमेशा के लिए चालू रहेगी, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए नीति बनाई गई है और इस पर सरकार की अनुमति मिलते ही काम शुरू किया गया है। प्रशासन से कूड़ा उठाने के लिए बहुत से सारे उपकरण मांगे गए हैं और सरकार इस पर जल्दी स्वीकृति देने वाली है। हम बड़ी संख्या में वाहन उपलब्ध करें जिससे कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। ये सारी बातें हुई हैं और इस पर शीघ्र ही अमल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि शहर को साफ सुथरा रखा जाए और उन्होंने बहुत सारे निर्देश दिए हैं। आज हमारे यहाँ अधिकारी आए हैं लखनऊ से, जो बड़े नाले हमारे साफ हो रहे हैं, गुरधोया नाला उसका भी मुआयना करेंगे। वहाँ पर 4 मशीनें हमारी लगी हैं जो 20 साल से नाले कभी सफाई नहीं हुए थे, वो उस 7 किलोमीटर का है। 70% हम सफाई कर चुके हैं, 30% की सफाई 1 हफ्ते के अंदर हम पूरा करेंगे, जिससे मेडिकल कॉलेज से लेकर के और आपके में RK BK तक पूरा नाला हमारा साफ हो जाएगा, तो उस क्षेत्र की जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। शहर में कुछ डेयरियाँ चलती हैं जिसके कारण लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से शहर से हटाएंगे, इस पर भी चर्चा हुई है। हमारे पास फोर्स की कमी है और हमारे शासन से निर्देश आया है कि हम आउटसोर्स से होम गार्ड्स को ले करके और सेना के रिटायर्ड लोगों का एक टीम बनाएंगे, जो 21 आदमी की टीम होगी, जो सिर्फ अतिक्रमण ही हटाएगी, इस पर भी चर्चा हुई है और ये काम बहुत ही जल्दी पूरा किया जाएगा। सर, जो अतिक्रमण हटाने के बाद फिर सर लग जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, उस पर भी सर कुछ विचार विमर्श हुआ है? अब जो हमारे पास अस्थाई अतिक्रमण टीम रहेगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहां से अतिक्रमण हटाया जाता है दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए हमारे पास सक्षम टीम आ जाने दीजिए, आपको ये सब दिखाई पड़ेगा।